सबसे पहले पीएस परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीसी एनएम 10709 केस अपडेट। तेजस्वी यादव ने 32,170 सैन्य बहनों को फ्यूचर को बर्बाद कर दिया है। जानिए कैसे, तेजस्वी यादव के कारण ही अभी तक बीटीसी एनएम 10709 वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। जानिए जल्दी से। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, यही पनौती के कारण आज 32,170 सैन्य बहन जिंदगी और मौत से झूल रही है। ठीक है, ऐसे ये कगार पे ला कर रख दिए हैं। अगर उस समय ये नियमावली में बदलाव नहीं करते, हर चीज नहीं करते, तो आज हमारी एनएम बहन खुश रहती, सबको जो है जॉब मिल जाता और आज हैप्पी से दीपावली मनाते। बट यही पनौती के कारण आज ये जो है हमारी एनएम बहन इतना दिक्कत में और इतना जो है कष्ट झेल रही है, सिर्फ और सिर्फ यही पनौती के कारण, समझे। कहिएगा सर आप काहे बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए, जो 48 दिन आपको काउंसलिंग के लिए जो है समय रखा गया था, ज्ञान भवन पटना बुक हो गया, हर चीज हो गया है, उसी समय नीतीश बाबू पलटी मार दिए और इनसे मिल गए और इनको जो है स्वास्थ्य मंत्री बना दिए। उसके बाद ये आए तो ये अपना कहानी स्टार्ट कर दिए और 2023 के नियमावली ला के जबरदस्ती उसमें एग्जाम करवा दिए। उसके बाद एग्जाम हो जाने के बाद फिर से नीतीश बाबू पलटी मार दिए, तो ये स्थिति बनी हुई है। ऐसा अगर नहीं होता, नहीं नीतीश बाबू पलटी मारते, नहीं पनौती को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता, नहीं ये होता। अब देखिए इनको भी क्या आप गलती कर सकते हैं, समझे। अब कहने के लिए तो हम बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात यहाँ पर ये देखिए, जो भी मंत्री बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, तेजस्वी यादव, उसके बाद आपको जो है सम्राट चौधरी या मंगल पांडे, सब अपना ही फायदा। और कभी भी नेता लीडर, ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अपना ही फायदा के लिए कोई भी चीज करते हैं, कोई भी नियमावली में बदलाव करते हैं, हर चीज करते हैं, तो अपना ही फायदा के लिए, ये बात आपको भी पता होना चाहिए। और जो भी जब सिस्टम में आते हैं तो लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप देख लीजिए बिहार का इतिहास उल्टा के देख लीजिए, जो भी नेता लीडर आए हैं अपने अकॉर्डिंग काम किए, समझे कि नहीं। तो यही स्थिति है जो आज हमारी एनएम बहनों को इस कगार पे ला के खड़ा कर दिए हैं, समझे कि नहीं, इस कगार पे है ला के खड़ा कर दिए हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस अटकी है। मतलब 32,127 एनएम बहनों को फ्यूचर अगर बर्बाद करने में है तो इनका ही 100% हाथ। ये नहीं नियमावली को चेंज करते, नहीं ये सब कहानी होती, नहीं कोई दिक्कत होती, बट ये क्या किए, नियमावली को चेंज कर दिए, जबरदस्ती एग्जाम करवाए, हम लोग पटना हाईकोर्ट में केस कर दिए, हम लोग सिंगल मैच डबल मैच में जीते, आज ये स्थिति है जो सुप्रीम कोर्ट में केस अटका हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में क्यों अटका हुआ है, किस लिए अटका हुआ है, ये आप जान रहे हैं, ये बखूबी आप जान रहे हैं, समझे कि नहीं। तो यही स्थिति बनी हुई है, नहीं बच्चे आपस में लड़ते। देखिए पहली हम आपको बताते हैं, नेता लीडर कोई भी हो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं। अभी जो स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, इसमें नेता लीडर क्या है, वो तो चाह रहे हैं 4 साल और वैकेंसी लटक जाए, क्योंकि वो तो चाह ही रहे जल्दी वैकेंसी क्लियर नहीं हो ताकि हमको पेमेंट नहीं देना पड़े, समझे कि नहीं। ये स्थिति बनी हुई है तो इनको भी आप क्या दोष दे सकते हैं, क्योंकि बिहार है, बिहार में जान ही रहे, आप अगर गद्दी पर बैठाइएगा तो अपने अकॉर्डिंग सभी लोग काम करेंगे और वही अभी तक होते आ रहा है, ये बिहार का इतिहास है, समझे कि नहीं। नाइट में ही हम आपको बोले थे, मॉर्निंग में हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम आपको तेजस्वी यादव के बारे में बताएंगे, समझे कि नहीं। वही बात है, अभी हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे, बहुत सारे हजारों वीडियो है, कितना वीडियो हम आपको दिखा पाएंगे, समझे। इसीलिए पिक ही लगा दिए, जो इनके कारण ही आज 32,127 एनएम बहन परेशान है, नहीं ये सिस्टम में आते ठीक है, जल्द से जल्द वैकेंसी क्लियर करवाते, ये अपने ही कानून से सबको फंसा दिए, समझे कि नहीं। ये स्थिति बनी हुई है, खैर जो होना था हो गया, अब वो बदल नहीं सकता है, ये बात तो आपको ही पता होना चाहिए। बस सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए 25 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर को फाइनल आपको जो है रजिस्ट्रार साहब, जज साहब के पास केस को ट्रांसफर कर देंगे, समझे, और जज साहब आपका इस केस को फाइनल सुनवाई करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, अच्छे से आप लोग दीपावली मनाइए, ठीक है, फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और सिर्फ 32,127 अन्य बहनों को अभी एक ही काम करना है, क्योंकि देखिए लाइफ में हर चीज आप देखिए और इस वैकेंसी में हर किसी का आप देख लीजिए जो असली चेहरा क्या है,
ये भी होना जरूरी था, ठीक है, ये भी आपको बहुत कुछ, ये वैकेंसी बहुत कुछ आपको सिखा दिया, ये भी होना जरूरी था, समझे कि नहीं। तो इसीलिए अभी 32,127 एनएम बहनों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। 12 बजे आपको दिन में जुड़ना है पर डे लाइव, और नाइट में आपको जो है 9 बजे जुड़ना है, ठीक है, दोनों में लाइव क्लास चलती है, और अभी आपको पढ़ाई कर लेना है। जो लोग नहीं लिए हैं, क्लास नहीं लिए हैं, क्लास ले लीजिए, क्योंकि सभी ऑफर में एनएम जीएनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन एजीसी टेक्नीशियन ओटी सभी के लिए अभी ऑफर चल रही है, ये 7 नंबर तक ऑफर रहने वाला है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नहीं लिए हम आपको नंबर दे देते हैं 8051305735, इसी नंबर पर आपको 399 गूगल पे या पेटीएम करना है, ठीक है, गूगल पे या पेटीएम से आपको करना है पेमेंट। और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अभी जितना क्लास हो गई है लगभग हम आपको 900 पढ़ा दिए हैं प्रश्न, 900 लगभग हम आपको प्रश्न पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लास लेंगे ये 900 प्रश्न आपके व्हाट्सएप पर हम भेज देंगे पीडीएफ, और टेस्ट सीरीज भी तैयार हो रही है, छठ पूजा के बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हर एक चीज आपको मिलेगी, इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, समझे कि नहीं। जो होना था हो गया, इसलिए अब हम लोग अंतिम पैदान पे है, 25 नवंबर को रजिस्ट्रार साहब जैसा आपके टेबल पर केस ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए ओनली फॉर अभी 32,127 अन्य बहनों को पढ़ाई करना है, इसके अलावा अभी कुछ करना ही नहीं, समझे कि नहीं। और 12 बजे आज क्लास होगी, 12 बजे लाइव जो ना आप लोग नहीं भूलेंगे, सभी लोग सौ समय 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पर रहे चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सभी लोगों को क्लास ले लेना है, ये अंतिम ऑफर है, इसके बाद कोई ऑफर आपको नहीं मिलेगी, समझे। और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि स्टूडेंट के कभी अवसर की तलाश नहीं करना चाहिए। जब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है, जब तक आपको फाइनल जॉब नहीं होती है, तब तक आपको पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो जो अपडेट आई है हम आपको बता दिए हैं, 32,127 एनएम बहन किसके लेके परेशान है, इन्हीं पनौती के लेके परेशान है, यही तेजस्वी यादव को लेके परेशान है, ठीक है। तो चलिए पूरी जानकारी हम आपको बता दिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।